इंडिया टीवी आपकी आवाज। बड़ी खबरों को देखने का आपको दिखाते हैं यूपी 20। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम दोपहर 1:30 बजे वाराणसी के गंजा गावस्कर और सचिन तेंदुलकर समेत कई पूर्व क्रिकेटर को भेजा गया है न्योता। बीसीसीआई प्रमुख रोजर विन्नी और सचिव जय शाह भी शामिल होंगे। 450 करोड़ की लागत से 31 एकड़ जमीन में बनेगा स्टेडियम। स्टेडियम में हर तरफ भगवान शिव की झलक दिखेगी। स्टेडियम अर्ध चंद्राकार होगा। पवेलियन डमरू के आकार का और फ्लड लाइट्स त्रिशूल के आकार की बनाई जाएंगी। ये मोदी का दूसरा कार्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेलकूद मैदान में होगा। महिला आरक्षण बिल के पास हो जाने के बाद बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। महिलाओं से संवाद कार्यक्रम के बाद वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे पीएम। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। छात्र और छात्राओं के अलावा अभिभावकों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी काशी सजकर तैयार है। रात में रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा है पूरा शहर। बनारस की सड़कों के दोनों तरफ पीएम मोदी के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों ने अपने घरों को भी सजाया है। प्रयागराज में अतिन जफर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली जेल में माफिया अशरफ से अवैध मुलाकात करने का आरोप है। आगरा में चेन लूटकर भाग रहे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश मोहित को पुलिस ने पैर में मारी गोली। दूसरा अपराधी फरार। आजमगढ़ डबल मर्डर केस में 3 आरोपियों की तलाश जारी है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को हुई थी बाप और बेटे की हत्या। यूपी के संभल में फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने साजिश कर फर्जी लूट को अंजाम दिया। दोस्त के साथ एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है आज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी कविता ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मथुरा के बरसाना के राधा अष्टमी की धूम। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाई जाती है राधा अष्टमी। प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने राधा अष्टमी की बधाई दी। लिखा, निष्काम और अलौकिक प्रेम की शाश्वत प्रतीक थीं श्री राधा रानी जी। राधा अष्टमी के अवसर पर बरसाना में 6 से 7 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने चौकस सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया। मुरादाबाद में भगवान गणेश की आराधना में जुटे भक्त। गणपति पंडाल में चंद्रयान 3 का मॉडल रखकर पूजा की। वाराणसी पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।